नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैंने इनसे बजाय देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। ना मर्डर वेपन मिला, ना श्रद्धा का शव। श्रद्धा वॉकर की हत्या में आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के पास आफताब के हत्या के कबूलनामे के अलावा इंसानी लाश के कुछ टुकड़े भी है। पुलिस को अब तक मर्डर वेपन के साथ श्रद्धा का मोबाइल भी नहीं मिला, यानी पुलिस के पास हत्या को साबित करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मैरोली के जंगल में अब तक इंसानी शव के 10 से ज़्यादा टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए इन्हें FSL में भेज दिया। साथ ही पुलिस के पास आफताब का श्रद्धा की हत्या का कबूलनामा है। इसके साथ ही श्रद्धा के कुछ दोस्तों से भी पुलिस को अहम सबूत मिले, लेकिन अभी तक हत्या में इस्तेमाल की गई आरी या चाकू नहीं मिली। आफताब ने श्रद्धा का फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया था, जो अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। इंडोनेशिया में मोदी का दूसरा दिन आज G20 समिट का दूसरा और आखिरी दिन है। इस तरह इंडोनेशिया ने G20 का अध्यक्षता भारत को सौंपी। भारत के 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। दिसंबर 2022 में इनका इनॉग्रेशन उदयपुर में होगा। राजस्थान के 3 शहर इस बार इस समूह के मेजबानी करेंगे। उदयपुर और जोधपुर के साथ जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के G20 अध्यक्षता समावेशी और महत्वाकांक्षी होगी। अगले एक साल में हमारा प्रयास रहेगा कि G20 समूह कार्रवाई को गति देने के लिए ग्लोबल प्राइम मूवर के रूप में काम करे। दुनिया को G20 से उम्मीद है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा। आप विधायक पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप। दिल्ली में MCD चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक पर पैसा लेकर टिकट दिलाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक आप कार्यकर्ता शोभा खारी और उनके पति गोपाल खारी ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसे केस में एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने मॉडल टाउन में आप विधायक त्रिपाठी, उनके साले ओम सिंह PA और साथी प्रिंस रघुवंशी को के हाथों गिरफ्तार किया है। इधर भाजपा ने विधायकों की रिश्वत लेने का मामला सामने आने के बाद केजरीवाल का लूट मॉडल को जानकारी के मुताबिक शोभा खारी ने दिल्ली में कमल नगर के वार्ड 59 में पार्षद का टिकट मांगा था। विधायक त्रिपाठी और उसके साथ साथियों ने इसके बदले 90 लाख रुपए मांगे थे। डील 9 नवंबर को हुई, उसके मुताबिक 55 लाख एडवांस और 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देना था। 29 नवंबर को दोबारा लॉन्च होगा ट्विटर ब्लू। ट्विटर की ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस 29 नवंबर को दोबारा लॉन्च होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए बॉस एलन मस्क ने इसका ऐलान किया। मस्क ने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए भी यहां रॉक सॉलिड है। 29 नवंबर को ब्लू वेरीफाइड कोड रीलॉन्च किया जा रहा है। इसके पहले एलन मस्क ने कहा था कि इस हफ्ते के आखिर तक इस सर्विस को रीलॉन्च किया जाएगा। ब्लू चेक मार्क पहले राजनेताओं, प्रसिद्ध हस्तियों, पत्रकारों, अन्य सार्वजनिक हस्तियों के वेरीफाइड अकाउंट के लिए रिजर्व था। अब इसे ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस में जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति पेमेंट कर इस ब्लू चेक मार्क को ले सकेगा। हाल ही में इस सर्विस को कुछ देशों में $8 प्रति महीने की कास्ट पर लॉन्च किया गया था, लेकिन एक फेक अकाउंट के बढ़ने के बाद चलते इसे होल्ड कर दिया गया। आप में शामिल नहीं होंगे विपुल चौधरी। विपुल उत्तर प्रदेश गुजरात के दूध सागर डेयरी के संस्थापक और उत्तर गुजरात के चौधरी समाज के नेता। विपुल चौधरी के पिता मान सिंह पटेल के जन्मदिन पर चराडा में मंगलवार को आयोजित सभा में राजनीतिक जोड़ तोड़ की बातें बेकार साबित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को रात में चौधरी समाज अर्बुदा सेना के अग्रणियों से मिलकर बड़े ऑपरेशन को पूरा कर लिया है। समझौते के अनुसार विपुल चौधरी अब भाजपा के साथ रहेंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं मिलने पर विपुल चौधरी आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हालांकि फिलहाल वह जेल में बंद है, मगर ये संदेश जेल से ही समर्थकों के जरिए भाजपा हाईकमान को बता दी गई है। इसके बाद अमित शाह विपुल चौधरी मामले में एक्टिव मोड में आ गए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गए कुछ ही घंटों, रिजल्ट आया है कि विपुल अब कभी नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ बने रहेंगे। अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी पद छोड़ा। अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी का पद छोड़ दिया। माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अब राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने में
अक्षमता जाहिर करते हुए दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। अजय माकन पहले ही बाकी पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। माकन ने 8 नवंबर को एक बार फिर खंगड़े को चिट्ठी लिखकर मौजूदा सियासी हालत में दूसरा प्रभारी खोजने की अपील की है। इस चिट्ठी के बाद माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। अजय माकन ने खंगड़े को लिखी चिट्ठी में 25 दिसंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उस पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया था। माकन ने लिखा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में नया चैप्टर माना जा रहा है। डीजेआई चंद्रचूड़ बोले, सब ऑर्डिनेट के मानसिकता खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में डिस्ट्रिक्ट जजों के प्रति बर्ताव को लेकर कटाक्ष किया है। सुप्रीम कोर्ट पर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजों को जिला अदालतों को सब ऑर्डिनेट मानने की मानसिकता बदलनी चाहिए। हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को बताया है कि कई जगह परंपरा की जब हाई कोर्ट जज लंच या डिनर कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज खड़े रहेंगे और वे हाई कोर्ट जज को भोजन परोसने की कोशिश भी करते हैं। जब वो जिला अदालतों का दौरा करता है तो जोर देकर कहते हैं कि अब जब डिस्ट्रिक्ट जज साथ नहीं बैठेंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा। सीजेआई चंचूर ने कहा है कि मुझे लगता है कि सब ऑर्डिनेट संस्कृति को हमने ही बढ़ावा दी है। हम जिला अदालतों को अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं। मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जजों को सब ऑर्डिनेट जजों के रूप में ना बुलाया जाए क्योंकि वे सब ऑर्डिनेट नहीं है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि आईएएस अफसर ऐसा नहीं करते। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास। यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को हुई, इसमें 24 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। यूपी के पर्यटन नीति से जुड़े प्रस्ताव भी पास हुए। इसमें प्रदेश में पुराने महलों के हेरिटेज होटल बदलने के लिए सरकार मदद करेगी। वहीं विलेज स्टे के लिए ग्रामीण इलाकों में भी मदद की जाएगी। पुराने घरों को विलेज स्टे योजना के तहत सुधारने की भी योजना है। इसमें यूपी के टूरिज्म बढ़ेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि संभल में स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल की तीन वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 244 नए वाहन खरीदे जाएंगे। पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा। 24 में T20 वर्ल्ड कप का रोड मैप शुरू। टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर 18 नवंबर वेलिंगटन में T20 सीरीज की शुरुआत करेगी। टीम T20 मैचों की सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम का कैप्टन बनाया गया है। पांड्या ने कहा है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी रोड मैप तैयार कर जुटना होगा। ये सीरीज भी उसी का हिस्सा है जो इस सीरीज में सीनियर्स खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में युवा खिलाड़ियों के पास अपने को साबित करने का मौका है। उन्होंने आगे कहा कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप का 2024 में होना है। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से होगा शुरू। गोवा फिल्म फेस्टिवल्स के लिए इस साल देश भर में 75 युवाओं को क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुना गया है। 18 से 35 साल के युवाओं को फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही इंडिया में #100 थीम पर 53 घंटे के अंदर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का चैलेंज मिलेगा। इस साल इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI का 53वां समारोह गोवा में 20 से 28 नवंबर के दौरान आयोजित हो रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए देशभर में 1100 से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें से प्रसून जोशी, आर बाल्की सहित 10 ज्योरी मेंबर्स 29 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से 75 युवाओं को चुना है। यदि सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसे अपडेट्स के बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।